सारे नहीं और सब मजहब हैं, धर्म नहीं। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, बाकी सब मजहब है। ये जितने भी संदा यहां मजहब हो रहे हैं ये धर्म नहीं है, और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। क्रिश्चियन धर्म किसने चलाया? प्लीज से आप जिसको क्रिश्चियन धर्म कह रहे हो वो किसने चलाया? टेल मी। वैसे जीसस क्राइस्ट आए थे सर, उन्होंने बताया था इसके बारे में। हु? जीसस क्राइस्ट आए थे सर। हु इज जीसस? सर एक ह्यूमन। अच्छा, धर्म में अलग अलग बातें हैं तो सर कौन से धर्म को फॉलो? वो मजहब है, वो धर्म नहीं है। सर आपने कहा गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, ये पुस्तक है उनकी समाज की, उनके उस समुदाय की। खुदा ने कुरान को नहीं गाया। जिनको बाइबल खुदा कहती है या ईशा ईश्वर कहती है या जो भी गॉड कहती है, उस गॉड ने उस बाइबल को नहीं गाया, लेकिन मेरे कृष्ण ने गीता को गाया। गीता मेरे कृष्ण के मुंह से निकली है। वो कहते हैं खुदा ने भेजी है। कौन? कुरान, बाइबल, जीसस। तो फिर और मैं तो कहता हूं मेरे भगवान ने गीता दी है, गीता बोली है, और उन्होंने सिर्फ लिख के नहीं भेजी, स्वयं से प्रकट की है, उसको उपदेश दिया अर्जुन को कृष्ण ने। अपने जहन में बिठा लो, अल्लाह ने जो दीन उतारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है इस्लाम। नबी बहुत आए, लेकिन उन नबियों को भी इस्लाम ही देकर भेजा गया था। अल्लाह के दीन बहुत से नहीं है, अल्लाह ने जो धर्म उतारा, जो दीन उतारा, वो एक ही है, वो है इस्लाम। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सब नबियों का दीन इस्लाम। हवा, पानी, बारिश, सूरज की रोशनी, ये उस वक्त भी थी जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। इनके आने से पहले अल्लाह ताला ने सब कुछ इंतजाम इस दुनिया में कर दिया। लेकिन ताज्जुब है, पानी सबका एक रहा, बारिश सबके लिए एक रही, सूरज की रोशनी सबके लिए एक रही, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उतारा हुआ धर्म जो एक था वो लोगों ने एक नहीं रखा, उसमें चेंजिंग और तब्दीलियां करके अपने अपने धर्म बना डाले। अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन तमाम लोगों में अनाउंसमेंट कर दो, आप इन तमाम लोगों को बता दो, यहूदियों से कह दो, ईसाइयों से कह दो, जिनकी तरफ जबूर उतारी गई, उन दाऊदियों से, उन जबूरियों से कह दो, लड़ते क्यों हो? अपने अपने धर्म तुम लोगों ने क्यों बना डाले हैं? हमने तो एक ही धर्म उतारा था और सबका कलमा एक ही था। या अहलल किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए अहले किताब जिनको किताब दी गई, तौरात, जबूर, इंजील, आए किताब वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो इला कलीमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे जुमले की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ
जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। तुम्हारा भी वही कलमा है और हमारा भी वही कलमा है। तुम भी उसी चीज को मानते हो और हम भी उसी चीज को मानते हैं। कलमा सबका एक था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो ये कलमा बाकी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे का दूसरा जुमला बदलता रहा लेकिन पहला जुमला नहीं बदला, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए कलमा एक ही रहा। तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। कलमा मैंने पढ़ के बता दिया, सारे नबियों का कलमा एक। तो अल्लाह ने क्या कहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब कलमा एक है तो फिर धर्म अलग कैसे हो गए? दूसरी चीज, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, ये चीज भी हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वो ये कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। और दूसरी चीज क्या बराबर है, वला नुशरिक बिही शैआ, और अपने रब के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। इस कायनात का खालिक, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ओनली एक, खिलाने पिलाने वाला एक, उसी ने इस दुनिया को पैदा किया है, उसी ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है, वही क्रिएटर है। और जब इस दुनिया को बनाने में, चांद और सूरज को बनाने में, सितारों को बनाने में, आसमान को बनाने में, बारिश को नाजिल करने में, इस जमीन पर पहाड़ों के जरिए जमीन को के बैलेंस को बरकरार रखने में, हवा के चलाने में, बारिश के मुतय्यना मकदार पे नाजिल करने में, जब उसने किसी का सहारा नहीं लिया, उसने कहा कुन फयकून, उसने कहा हो जा और वो चीज हो गई। जब उसने किसी का साथ नहीं लिया तो वो अपनी इबादत में भी ये नहीं चाहता कि फिर किसी को तुम शरीक करो, लिहाजा वो कहता है कि इबादत हो तो मेरी हो। अगर कयाम किसी के लिए जायज है तो अल्लाह के लिए, इसीलिए कहा गया जब खड़े हो मेरे सामने तो अल्लाहु अकबर कहना। ये कयाम मेरे सामने होना चाहिए और मेरे लिए होना चाहिए, रुकू भी मेरे लिए होना चाहिए, सजदा भी मेरे लिए होना चाहिए। फिर तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपनी जरूरत का सवाल भी तुम करो तो मुझसे करो, मेरे अलावा किसी से नहीं। इन तमाम चीजों में उसने कह दिया, जब इन तमाम चीजों को पैदा करने में, बनाने में हमने किसी का साथ नहीं लिया तो अपनी इबादत में भी हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हमारा भी वही कलमा है और तुम्हारा भी वही कलमा है, और ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को शरीक साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबं मिन दूनिल्लाह, और हम में से बाज़ को अपना रब नहीं बनाएगा, हम में से बाज़ को अपना खुदा नहीं बनाएगा। एक ही अल्लाह की इबादत होगी और उसी को माना जाएगा, हम में से कोई किसी को अपना रब नहीं बनाएगा। कितनी सिंपल तालीम दे दी गई और ये बता दिया गया कि इन चीजों में तुम भी हमारे साथ हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसलिए ये आयत हमें बतला रही है कि अल्लाह का धर्म जो अल्लाह ने उतारा था वो एक ही है।
अब सुनिए, तो जिस तरह बारिश सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, इसी तरीके से हमने जो धर्म जो दीन दिया है वो सबके लिए है। हवा और पानी में और बारिश में जब बंटवारा नहीं है तो मजहब के अंदर भी बंटवारा नहीं है। इस मजहब को तस्लीम करो जो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है, फिर वो मजहब जितने भी नबी लेके आए आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह ने बहुत से नबियों को भेजा और आखिर में लास्ट में उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबूस फरमा दिया और ये कह दिया कि ये आखिरी नबी हैं, अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब जब तक दुनिया कायम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की जाएगी, नबी की फरमा बरदारी की जाएगी, और जब चारों तरफ घटाटोप अंधेरा हो जाएगा इस्लाम नाम का बाकी रह जाएगा, एक आदमी भी जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा तो फिर हम इस दुनिया में फिर कोई नबी तो नहीं भेजेंगे सुधारने के लिए, बल्कि फिर कयामत बर्पा कर देंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे और वो अपना काम हो जाएगा, अपना काम, सारी कायनात मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा सूर जब फूका जाएगा तो लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे, मैदान मैशर की तरफ भागेंगे और जमा होंगे। मेरे भाइयों, वो एक लंबी दास्तान है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। जितने भी नबी आए वो सारे पैगंबर सारे नबी इस्लाम ही का प्रचार किए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन जितने भी नबी आए उन तमाम नबियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जरूर बता दिया था कि आए लोगों, आखिरी नबी आएंगे, ऐसे होंगे, ये सिफत उनके अंदर पाई जाएगी, सब बता दिया।